01 डेफिनेशन MAC एड्रेस विल बी 01 और ये पैकेट किसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा और इसके पास में वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी. इट विल ओपन लेयर 2 हेडर डेस्टिनेशन MAC एड्रेस इज इट्स ओन MAC एड्रेस सो इट विल एक्सेप्ट दिस फ्रेम ऑन लेयर 2. इट विल एक्सेप्ट ऑन लेयर 3 ऑल्सो बिकॉज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज 192.168.1.10. आफ्टर दैट इट विल ओपन लेयर 4 हेडर. डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज व्हाट 1024 और यहाँ पे 1024 पोर्ट नंबर क्या हो रखा होगा ओपन. वो डेटा क्या कर लेगा एक्सेप्ट कर लेगा. टीसीपी हेडर पड़ा हुआ है ना ओपन स्टेट पता है ना. टीसीपी बनाते हैं अपने पास में वो एक पता है ना. एक टीसीपी बना के रखता है अपने पास में एक सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का पड़ा हुआ है ना. वो नहीं पड़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ के आना चाहिए था. ये समझ में आ गया पैकेट फ्लो कैसा रहेगा. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बोलो. और जो ये वापसी में देखो ये ट्रांसलेशन जब करेगा ना परफॉर्म तो अपने पास में ट्रांसलेशन टेबल में एंट्री रखेगा है ना. और जब वापसी में डेटा ट्रैफिक आएगा उस नेट को क्या करेगा वापसी से अननेट करेगा तो किससे करेगा ट्रांसलेशन टेबल चेक करके करेगा. इतनी बात समझ में आ गई. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे क्लियर है ये चीज. Yes, for all the packets. If you are using overload keyword. If you are not using this overload keyword, then it will not translate your port number. Okay? इतनी चीज क्लियर है. And by default, PAT is unidirectional. PAT is unidirectional. PAT unidirectional क्यों है देखो यार आपने यहां से बाहर कम्युनिकेट करना. आप बाहर कम्युनिकेट कर सकते हो ना तो ये अपने पास में क्या बनाएगा एक ट्रांसलेशन टेबल बनाएगा. वापसी में जब ट्रैफिक आएगा तो ट्रांसलेशन टेबल चेक करके ही वापसी से आईपी क्या करेगा वो ट्रांसलेट करेगा ना. अगर ये टेबल नहीं होगी तो ट्रांसलेशन कर सकता है नहीं कर सकता ना. Now we want to communicate from outside network to this line user 192.168.1.10. तो ये translation table में कोई entry होगी क्या. Translation table में कब entry बनेगी जब आप लोग inside network से outside network में क्या करोगे communicate करोगे तब translation table बनेगी. See there is a one more user its IP address is 192.168.1.20. इस IP address की यहाँ पे कोई entry है नहीं है ना. नाउ यू वॉन्ट टू कॉम्युनिकेट फ्रॉम ISP टू 1.20. पहली बात तो ये यहाँ पे इधर कोई अब देखो वापसी में पहले जब डेटा ट्रैफिक आ रहा था तो डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के आ रहा था 15.1.1.1 लग के आ रहा था ना. तो उसको किस में ट्रांसलेट कर रहा था इसमें. नाउ यू वॉन्ट टू कॉम्युनिकेट यू आर गोइंग टू जनरेट ए ट्रैफिक इन दैट ट्रैफिक योर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज व्हाट 15.1.1.1. डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 15.1.1.1 होगा ना. जैसे ट्रैफिक यहाँ पे आएगा इस ट्रांसलेशन टेबल में कोई एंट्री होगी उसके लिए होगी नहीं तो उसको ट्रांसलेट करेगा कर ही नहीं सकता उसको कभी ट्रांसलेट. वो क्या कर पाएगा क्या ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा ना यार. अगर इस टेबल में एंट्री नहीं है पहले वो क्यों वापसी में जब डेटा रिसीव हो रहा था वापसी से ट्रांसलेट कर पा रहा था. टेबल में एंट्री पड़ी हुई थी टेबल में पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर चेक करके वापसी में ट्रांसलेट कर रहा था ना. अब अगर आप बाहर से कोई डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रांसलेशन टेबल में तो कोई एंट्री होगी नहीं ना तो ट्रांसलेट कर ही नहीं सकता. तो आप बाहर से अपने इनसाइड नेटवर्क में कभी कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे. किस केस में पैट के केस में ठीक है. ओके एक और मैं यहाँ पे आपको केस बता देता हूँ. हम लोग नेट एक और टाइप से कॉन्फिगर कर सकते हैं. अभी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ना पैकेट फ्लो देख लेते हैं पहले हम लोग ठीक है. पैकेट फ्लो क्या रहेगा आई एम सेइंग http://1.1.1.1. ये राउटर क्या हो गया वो एक्सेस हो गया. पैकेट फ्लो देखें क्या रहेगा. आई एम गोइंग टू कैप्चर दिस लिंक नॉट दिस लिंक
एंड दिस लिंक, ये मैंने दोनों लिंक क्या किए कैप्चर किए, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन HTTP, आई एम गोइंग टू एक्सेस दिस 1.1.1.1। ISP पे लूप बैक है ये, और ISP की मैं HTTP की सर्विस क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। और जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे ना, ये ISP राउटर क्या हो गया आपके पास में, एक्सेस हो गया। पैकेट फ्लो क्या है वो देख लेते हैं। देखो यार, सोर्स आईपी एड्रेस इज दिस। देखो इसने एक पैकेट इनकैप्सुलेट किया, लेयर 4 को हैंडओवर किया। सोर्स पोर्ट नंबर इज रैंडम पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 80 पोर्ट नंबर, यही है ना। और यहां पे देखो इसने सोर्स आईपी एड्रेस वही अटैच किया था, एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज, एंड TTL वैल्यू इज 128 की है। मैं अपनी मशीन से डेटा ट्रैफिक क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनेट कर रहा हूँ, मीडिया पे ट्रैफिक आया। और लेयर 2 पे देख लो, सोर्स मैक एड्रेस विल बी, लैपटॉप का मैक एड्रेस रहेगा ना ये, एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज, देखो लास्ट में क्या है, 0A है ना। और जब इस पैकेट को इस इंटरफेस से एग्जिट करेगा ना, दिखाऊं, ये देखो जब आगे इस पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है अरे ये तो DNS क्वेरी है, उसने कैप्चरिंग स्टॉप कर दी थी क्या, आई थिंक कैप्चरिंग उसने स्टॉप कर दी थी उस टाइम। मैं काम करता हूँ, मैं दोबारा कैप्चरिंग करता हूँ, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से, इस लिंक को भी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, दोबारा कैप्चरिंग करता हूँ, स्टार्ट कैप्चर, और इस लिंक को भी मैं कैप्चर कर रहा हूँ, स्टार्ट कैप्चर, ठीक है। और मैं दोबारा यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा फिर से डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा वो कुछ। स्टॉप कैप्चरिंग, और इसमें भी आ जाओ, स्टॉप कैप्चरिंग, ठीक है। अब पैकेट फ्लो देख लेते हैं, जो हमने डिस्कस किया था वही है। जब इस लैन यूज़र ने डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट किया था तो ये देखो, ये था वो डेटा ट्रैफिक, जब इस लैन यूज़र ने डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट किया था अपना, वो क्या कर रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था वेबसाइट के लिए ना, किससे, 1.1.1.1 से। सोर्स पोर्ट नंबर इज रैंडम पोर्ट नंबर, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज वेल नोन पोर्ट नंबर, दैट इज पोर्ट नंबर 80। सोर्स आईपी एड्रेस इज इट्स ओन आईपी, एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज 1.1.1। मैं मैक एड्रेसेस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैक एड्रेसेस पता है कौन से रहेंगे हमें पहले से ही, ठीक है। नाउ दिस राउटर विल फॉरवर्ड दिस ट्रैफिक टूवर्ड एज राउटर, एंड एज राउटर विल फॉरवर्ड दिस ट्रैफिक टूवर्ड ISP। तो इस लिंक से मैं वापसी में कैप्चरिंग कर, वापस से कैप्चर कर रहा हूँ, इस लिंक पे जो डेटा ट्रैफिक जा रहा है वो कैसा जा रहा है। देखो इसने यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस वही वाला मैसेज है ना, ये गेट मैसेज है, गेट मैसेज किस लिए भेज रहा है, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए क्या भेज रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना। तो अब उसके अंदर देखो सोर्स आईपी एड्रेस क्या हो गया, ट्रांसलेट क्या हो गया, 15.1.1.1
1, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, वही है, सेम है, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब जब वो वापसी में रिप्लाई देगा, 1.1.1 की रिप्लाई आ रही है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या सेट करके भेज रहे हैं, 15.1.1.1, और वो टीटीएल वैल्यू कितनी लगा के भेज रहा है, 255। क्यों 255 लगा के भेज रहे हैं, क्यों वहां पे सिस्को आईओएस है ना। और अब ट्रैफिक जब ये राउटर, एज राउटर जब इसकी तरफ फॉरवर्ड करेगा, तो मैं इस वाले लिंक को कैप्चर किया हुआ है उसको ओपन करता हूं। ये कौन सा था, ये था आई थिंक, ये रहा। वापसी में देख लो आईपी क्या हो रहे हैं, वापसी में आईपी वापसी से क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया ना, किसमें ट्रांसलेट कर दिया, 192.168.1.10 को। आईपी लग के क्या आ रहा था, डेस्टिनेशन 15.1.1.1, उसको वापसी में किसमें ट्रांसलेट कर दिया, 192.168.1.10 में, और वो आईपी वही है, देख लिया। समझ में आ रही है बात, अरे ये वाला पैकेट नहीं है, सॉरी, सोर्स क्या होना चाहिए, 1.1.1 होना चाहिए ना, आई थिंक पैकेट ना तुम्हारा इस वाले लिंक से कैप्चर हो रहा है। एक काम करो, आई थिंक रिवर्स पाथ इस वाले पाथ से जा रहा है, इसमें वो रिवर्स पाथ का ट्रैफिक मुझे दिखा नहीं रहा है, लोड बैलेंसिंग हो रही है। स्टार्ट कैप्चरिंग, इस लिंक को कैप्चर नहीं करेगा ये, मैं काम कर लेता हूँ, इस वाले लिंक को कैप्चर कर लेता हूँ, इस वाले पे दिखा देगा तुम्हें, थर्ड नंबर कैप्चर में दिखा देगा रिवर्स पाथ हमें, ये देखो रिवर्स पाथ इसी में दिखा रहा है हमें। मैं वापसी में दोबारा ट्रैफिक ओरिजिनेट करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, और ये देखो 1.1.1 जो है वो क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। सोर्स पोर्ट नंबर क्या हो गया, 80, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज, सोर्स आईपी एड्रेस इज 1.1.1, एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज, वापसी में ट्रांसलेट हो रहा है ना तुम्हारा, समझ में आ गई बात। और एज राउटर विल मेंटेन ए शो नेट ट्रांसलेशन टेबल, ठीक है, अरे वो ट्रांसलेशन टेबल बन रही है ना यहाँ पे, और इसी टेबल को चेक करके वापसी में नेट को क्या करेगा, वो अननेट करेगा, ठीक है। देखो यार, इस राउटर को, आईएसपी राउटर को हम लोग किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, एचटीटीपी के थ्रू, है ना, आईपी से एक्सेस कर रहे हैं उसको, और ये पूरा कंप्लीट आपके पास में राउटर एक्सेस हो चुका है। देखो आप यहाँ पे मॉनिटर द राउटर पे आप क्लिक करते हो ना, आपके पास में राउटर ओपन हो चुका है। क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है बताओ, उसका ये प्रिविलेज मोड है, दिस इज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। इस कंप्लीट राउटर को आप इस इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद यूजिंग एचटीटीपी। देखो अब इस राउटर पे कोई प्रोटोकॉल इनेबल्ड नहीं है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको ना, यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल करना है राउटर पे बताओ। वी विल क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड वी विल रन रन ए कमांड हेयर लाइक राउटर EIGRP 200 और 500, वहाँ पे EIGRP प्रोटोकॉल चल गया होगा, दिखा देता हूँ, IP प्रोटोकॉल, सी EIGRP प्रोटोकॉल इज इनेबल्ड ऑन ISP राउटर। और आपने क्या करना है उस पर, कोई नेटवर्क कमांड चलानी है, से नेटवर्क, आई एम सेइंग इट्स नेटवर्क 8.8.0.0.0, नाउ इट विल एडवर्टाइज दिस 8.8.8 प्रीफिक्स ऑन दिस एज राउटर, शो आईपी ऑन दिस ISP राउटर। सी क्या करना है और बताओ, क्या रिप इनेबल करूं, ये लो राउटर रिप, रिप प्रोटोकॉल इज इनेबल्ड ऑन ISP राउटर, सी शो आईपी प्रोटोकॉल, रिप इनेबल नहीं कर रहा क्या, वो रिप इनेबल नहीं कर रहा वो, एक काम करो इस पे क्लिक करता हूँ मैं दोबारा, राउटर से राउटर रिप होना तो चाहिए, शो आईपी प्रोटोकॉल, नहीं रिप की सपोर्ट नहीं है, आई एम गोइंग टू इनेबल EIGRP ओएसपीएफ राउटर ओएसपीएफ 100,
ऑन आईएसपी राउटर सी ओएसपी 100। क्या करना है, कुछ भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप। और यहाँ पे देखो आप, मैं होम पे गया, होम पे जाके प्लेटफॉर्म पे आप क्लिक करेंगे और प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ दिखाएगा, शो प्रोसेस सीपीयू के अंदर आपको इसका सारा सीपीयू का इंफॉर्मेशन दिखाएगा।